हेलो फ्रेंड, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन डीजल साइकिल। इन डीजल साइकिल देर आर फोर प्रोसेसेस, टू एडियाबेटिक, वन अ कांस्टेंट प्रेशर एंड वन कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो डीजल इंजन में कौन सी प्रोसेस होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एडियाबेटिक कंप्रेशन, आफ्टर दैट हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, देन एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, जैसे कि आप पीवी डायग्राम पे देख सकते हो, एडियाबेटिक कंप्रेशन, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डीजल साइकिल एंड पेट्रोल साइकिल इज दैट इन ऑटो साइकिल हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इन डीजल साइकिल हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, आफ्टरवर्ड वी हैव फाइंड द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, वेयर इट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। ओके, सो ये जो सिग्मा है इट इज़ नथिंग बट, या ये जो वाला रो है इट इज़ नथिंग बट कट ऑफ रेशो, ये वाला। क्लियर? सो एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज डिपेंड ऑन कट ऑफ रेशो एंड कंप्रेशन रेशो। आफ्टर दैट वी हैव सीन मेन इफेक्टिव प्रेशर, और वो हमें मिला ये। सो टुडे वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन डीजल साइकिल। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल आई विल रीड हियर। डीजल इंजन हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 15 एंड हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेक्स प्लेस एट 6% ऑफ स्ट्रोक। फाइंड द एयर स्टैंडर्ड इफिशंसी ऑफ इंजन, टेक गैमा फॉर एयर इज 1.4। ओके, सो वॉट इज गिवन हियर? कंप्रेशन रेशो इज गिवन 15। ओके, और हीट कब तक ऐड हो रही है वो भी देखा है, 6% ऑफ स्ट्रोक। मतलब हीट ऐड होना शुरू होगा, कब तक होगा? जब तक कि वो इस स्वेप्ट वॉल्यूम के 6% तक ना जाए। ओके, सो हीट ऐड कब तक हो रही है? 6% ऑफ स्ट्रोक, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये इस स्वेप्ट वॉल्यूम के 6% है। ओके, मतलब पिस्टन जब 6% डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब तक हीट एडिशन चालू रहेगी, उसके बाद हीट एडिशन रुक जाएगा और वहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थी कि हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट 6% ऑफ स्ट्रोक, मतलब ये जो पूरा है V2 और V1 के बीच, इट इज़ नथिंग बट स्ट्रोक वॉल्यूम, और सॉरी इट इज़ नथिंग बट स्ट्रोक, और वो कब तक करेगा? 6% स्ट्रोक का 6% तक हीट ऐड होगी। तो 3 पॉइंट कहाँ तक, कहाँ पर आएगा ये 3 पॉइंट? स्ट्रोक के 6% डिस्टेंस पर। क्लियर? अब हमें निकालना है इसका इफिशेंसी। तो इफिशेंसी के लिए हमें लगेगा, दिस इज फार्मूला फॉर इफिशेंसी, उसके लिए हमें लगेगा कट ऑफ रेशो। तो कट ऑफ, ये हमारा इफिशेंसी का फार्मूला, इसके लिए कट ऑफ रेशो और क्लियरेंस दोनों भी लगेगा, सॉरी कंप्रेशन रेशो। तो कंप्रेशन रेशो दिया है 15, लेकिन कट ऑफ रेशो नहीं दिया है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो डिस्टेंस है 2 और 3, ये V3 बाय V2, ये कितना है? V3 बाय V2 कितना है? इस स्ट्रोक के 6%, ओके, या स्वेप्ट वॉल्यूम के 6%। सो V3 माइनस V2 कितना है? 6% ऑफ स्ट्रोक। क्लियर? ये जो V3 माइनस V2, ये जो वॉल्यूम है वो कितना है? इस स्ट्रोक के 6%। तो यहाँ पर आप स्ट्रोक का सो V3 माइनस V2 इक्वल्स टू 6% ऑफ स्ट्रोक और स्वेप वॉल्यूम। तो यहाँ से हम V3 निकाल सकते हैं। क्लियर? देखो, Vs को हम क्या लिख सकते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम को कितना है? ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, मतलब V1 माइनस V2 ये क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर? सो V3 माइनस V2 इक्वल्स टू 6% ऑफ स्वेप वॉल्यूम। स्वेप वॉल्यूम का हम लिखेंगे V1 माइनस V2।
क्लियर। अब हम वी वन को इन टर्म्स ऑफ वी टू लिख सकते हैं, कैसे? हमें मालूम है कंप्रेशन रेशो, इसको मैं आर लिखता हूँ, कंप्रेशन रेशो इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू। सो वी वन इक्वल्स टू आर इंटू वी टू, मतलब कंप्रेशन रेशो इंटू वी टू। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, जरूर ये वी वन बाय वी टू क्या है, वी वन माइनस वी टू क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब हमने वी वन को क्या किया, इन टर्म्स ऑफ वी टू लिखा। कैसे लिखा आपको मालूम है, कंप्रेशन रेशो इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू। सो वी वन इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशो इंटू वी टू, कंप्रेशन रेशो की वैल्यू दी है 15, तो वी वन क्या आएगा, 15 इंटू वी टू, तो यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। अब यहाँ से वी टू कॉमन आएगा, वी टू बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 15 माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 0.06, 0.84 वी टू। तो ये जो वी थ्री माइनस वी टू, ये हमें क्या मिला, 0.84 वी टू। ओके, अब ये वी टू इस साइड में चला गया, तो वी थ्री क्या आएगा, वी टू प्लस 0.84 वी टू, वो आएगा 1.84 वी टू। क्लियर। अब हमें मालूम है कट ऑफ रेशो इक्वल्स टू वी थ्री बाय वी टू। अब वी थ्री की वैल्यू हमें क्या मिली, 1.84 वी टू डिवाइडेड बाय वी टू, वी टू वी टू कैंसल, तो रो की वैल्यू क्या मिली, 1.84, मतलब कट ऑफ रेशो की वैल्यू क्या मिली, 1.84। ओके, तो जो कट ऑफ रेशो सिर्फ अननोन था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, गामा की वैल्यू दी है 1.4, आर मतलब कंप्रेशन रेशो उसकी वैल्यू दी है 15, और रो या कट ऑफ रेशो की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, तो इस यहाँ पर पुट हम करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 0.612 और 61.2%। क्लियर। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये, 7 या 8 मार्क के लिए आ सकते हैं। अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। द स्ट्रोक एंड सिलेंडर डायमीटर ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर 250 mm एंड 150 mm रिस्पेक्टिवली। इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 0.0004 मीटर क्यूब एंड फ्यूल इंजेक्शन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर 5% ऑफ द स्ट्रोक, डिटरमाइन द इफिशंसी ऑफ द इंजिन, अज्यूम द इंजिन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल। ओके, तो सर लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। स्ट्रोक एंड सिलेंडर डायमीटर ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजिन, सी आई इंजिन डीजल इंजिन का दूसरा नाम है कंप्रेशन इग्निशन इंजिन, आर 250 mm एंड 150 mm। 250 mm क्या है, स्ट्रोक। ओके, मतलब लेंथ। अगर ये सिलेंडर है, ये हो गया TDC, ये सिलेंडर हेड, और ये हो गया BDC। तो TDC और BDC का बीच का डिस्टेंस कितना है, ये स्ट्रोक की वैल्यू कितनी है, 250, और उसका डायमीटर कितना है, 150 mm। क्लियर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है 0.004 मीटर क्यूब। अब ये लेंथ और ये स्ट्रोक और डायमीटर से हम स्वेप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ऐसे पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल, वो हमें मिलेगा 0.004418 मीटर क्यूब। ये क्या हुआ, स्वेप वॉल्यूम। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या हुआ, ये BDC, ये TDC और ये सिलेंडर हेड, ये इसके बीच का जो वॉल्यूम रहता है, इसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हुआ इस सिलेंडर का, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। सो क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, हम दोनों की भी वैल्यू हमारे पास है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 0.004818 मीटर क्यूब। ओके, अब हमें कट ऑफ वॉल्यूम निकालना है, मतलब हमें निकालना है वन टू थ्री फोर, हमें कट ऑफ पॉइंट निकालना है, मतलब थ्री का वॉल्यूम निकालना है, वो कहाँ तक हीट सप्लाई कर रहे हैं, 5% ऑफ स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक का 5% डिस्टेंस तक हीट ऐड होगा, उसके बाद हीट ऐड होना बंद हो जाएगा और पावर स्ट्रोक चालू होगा। ओके, तो वी थ्री कहाँ पर है, वी थ्री है, ये हो गया वी टू, वी टू प्लस ये कितना है, 5, ठीक से निकाल दो, 1 मिनट।
वन टू थ्री फोर, ये जो टू है इट इज़ नथिंग बट क्लियरेंस वॉल्यूम, ये क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये टू टू थ्री ये डिस्टेंस कितना है, ये 5% ऑफ स्ट्रोक है। ओके, मतलब थ्री का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, सॉरी थ्री का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस 5% ऑफ स्ट्रोक सेफ्ट वॉल्यूम बराबर। यहाँ पर देखो वी थ्री का वॉल्यूम क्या है, वी टू प्लस 5% ऑफ सेफ्ट वॉल्यूम, क्लियर, ये क्लियरेंस वॉल्यूम और ये 5% ऑफ सेफ्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है 0.004 प्लस 5% ऑफ सेफ्ट वॉल्यूम, अभी हमने ऊपर सेफ्ट वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो वॉल्यूम एट कट ऑफ मतलब वी थ्री कितना आएगा, 0.000621 मीटर क्यूब। तो हम अब कट ऑफ रेशो आराम से निकाल सकते हैं, कट ऑफ रेशो क्या है, वी थ्री बाय वी टू इक्वल्स टू अभी हमने निकाला है 0.000621 डिवाइडेड बाय 0.0004, तो कट ऑफ रेशो कितना आएगा 1.55। अब कंप्रेशन रेशो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हम इफिशियंसी निकालनी है। कंप्रेशन रेशो क्या रहता है, वी वन अपॉन वी टू, वी वन क्या रहता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, यहाँ पर वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, डिवाइडेड बाय वी टू क्लियरेंस वॉल्यूम, तो हमें कट ऑफ रेशो सॉरी कंप्रेशन रेशो मिला 12.05। तो हम डीजल इंजन के इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 - 1 / γ r·γ−1 इन ब्रैकेट ρ·γ−1 डिवाइडेड बाय ρ−1। तो वैल्यू पुट करेंगे कंप्रेशन रेशो और कट ऑफ रेशो की, तो हमें इफिशियंसी मिलेंगी 0.593 और 59.3%। ओके, ये पहले न्यूमेरिकल जैसा ही था, सिर्फ इसमें कंप्रेशन रेशो भी दिया नहीं था, तो हमने वॉल्यूम निकाल के कंप्रेशन रेशो फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर करता हूँ, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन द आइडियल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन विथ कंप्रेशन रेशो 14 इफ़ फ्यूल कट ऑफ इज डिलेड फ्रॉम 5% - 8%। तो इस पर सिंपली क्या पूछा है, अगर पहले अगर कट ऑफ 5% था, वो 5% को अगर हमने 8% डिले किया तो कितना लॉस होगा, यह हमें निकालना है। ओके, मतलब पहले केस में कट ऑफ कितना रहेगा, 1, 2, 3, 4, ये जो कट ऑफ है ये पहले केस में 5% है, इसको हमने डिले कर दिया। अब इस केस में वो कितना है, 8%। तो अगर 5% की जगह 8% डिले हुआ कट ऑफ में, या फिर 8% तक हीट सप्लाई चली, तो कितना लॉस होगा इफिशियंसी में, यह हमें निकालना है। मतलब पहले हमें इसकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी और इसकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो इफिशियंसी का लॉस रहेगा, क्लियर, और उसका हमें परसेंटेज निकालना है। ओके, तो पहले केस में हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें कट ऑफ रेशो लगेगा, लेकिन कट ऑफ रेशो नहीं दिया है, तो ये नया फॉर्मूला दिख रहा है कैसे डिराइव किया, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी साइकिल 1, 2, 3, 4, तो हमें मालूम है v3 माइनस v2 इक्वल्स टू 5% ऑफ स्वेप वॉल्यूम, स्वेप वॉल्यूम कितना है, ये माइनस ये, क्लियर, ये हीट सप्लाई कहाँ तक हो रही है, 5% ऑफ स्वेप वॉल्यूम, स्वेप वॉल्यूम क्या है, v1 - v2। अब मैं क्या करता हूँ, ये v1 - v2 को इधर लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा v3 - v2 डिवाइडेड बाय v1 - v2 इक्वल्स टू 5/100, ये ब्रैकेट इधर लेके गया। ओके, अब हम इससे v2 कॉमन निकालेंगे और इससे भी v2 कॉमन निकालेंगे, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो v2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आएगा v3 / v2 - 1 डिवाइडेड बाय, इससे भी v2 कॉमन निकालेंगे v2, ये आएगा v1 / v2 - 1। ओके, v2 v2 कैंसिल, अब v3 / v2 क्या है, कट ऑफ रेशो। ओके, तो ये क्या होगा, ρ - 1 डिवाइडेड बाय v1 / v2 क्या है, कंप्रेशन रेशो, सो r - 1, ρ - 1 अपॉन r - 1 वो कितना है, ये 5%। ओके, मतलब हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ρ - 1 / r - 1 इक्वल्स टू वो कितना परसेंट दिया रहेगा, वो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्लियर।
तो अब हम इसमें आर की वैल्यू रख देंगे जो दिए 14, तो हम सिंपली डायरेक्टली रो निकाल पाएंगे। ओके, सिर्फ रो अननोन है, रो माइनस वन डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 5/100, तो हमें मिलेगा रो मतलब कट ऑफ रेशो 1.65। अब हमें कट ऑफ रेशो मिला, तो हम पहले केस में जो 5% डिले था उसकी इफिशियंसी निकालेंगे ऐसे, तो उसकी इफिशियंसी आएगी 61.2%। क्लियर। अब दूसरे केस में क्या दिया है कि वो 5% की जगह 8% डिले हो रहा है। ओके, तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला है, मतलब फिर से मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। V3 - V2 इक्वल्स टू 8% ऑफ शिफ्ट वॉल्यूम, आगे नहीं इधर गया, मतलब V3 / V2 अपॉन V1 - V2, V3 - V2 अपॉन V1 - V2 इक्वल्स टू 8/100। अब हम V2 कॉमन निकालेंगे, तो V3 / V2 - 1 डिवाइडेड बाय V2 कॉमन V1 / V2 - 1 इक्वल्स टू 8/100। V2 कैंसिल, V3 / V2 क्या है, रो माइनस वन एज इट इज, V1 / V2 R - 1 इक्वल्स टू 8%। ओके, मतलब जितना परसेंट डिले दिया है उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो, रो माइनस वन, ये रो माइनस वन अपॉन R - 1 इक्वल्स टू 8%। क्लियर, वो इसी बेसिक फॉर्मूले से हमने डिराइव किया। तो यहाँ से हमें रो मिलेगा 2.05। क्लियर, अब उसकी इफिशियंसी निकालेंगे कंप्रेशन रेशो और कट ऑफ रेशो पुट करके इस फॉर्मूले में, तो वो वहाँ पर हमें इफिशियंसी मिलेगी 59.1। मतलब जब पहले 5% डिले था तब हमें इफिशियंसी कितनी मिली थी, तब हमें इफिशियंसी मिली थी 61%, यहाँ पर देखो 61.2। और जब 8% का डिले हुआ, मतलब 5% की जगह अगर है हम 8% कट ऑफ को डिले करते हैं, तो हमें इफिशियंसी मिली 59.1%। मतलब हमारी इफिशियंसी का लॉस कितना हुआ, 61.2 थी और 59 हो गई, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2.1। मतलब कट ऑफ को 5% से 8% डिले करने पर हमारी इफिशियंसी 2.1% कम हो रही है। सो देर इज अ लॉस इन इफिशियंसी ऑफ 2.1%। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसके अलावा आपको कुछ आएगा नहीं, कोई बाहर के न्यूमेरिकल आएगा नहीं। अब दूसरा आया तो इफिशियंसी कहता है मेन इफेक्टिव प्रेशर पूछेंगे। ओके, तो उसका भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो, मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ अ डीजल साइकिल इज 7.5 bar एंड कंप्रेशन रेशो इज 12.5, फाइंड द परसेंटेज कट ऑफ ऑफ द साइकिल इफ इट्स इनिशियल प्रेशर इज 1 bar। यहाँ पर मेन इफेक्टिव प्रेशर दिया है 7.5 bar, आर दिया है मतलब कंप्रेशन रेशो दिया है 12.5 bar, और इनिशियल प्रेशर दिया है P1 bar। यहाँ से आपको क्या निकलना है, कट ऑफ। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कट ऑफ रेशो। ओके, हमें क्या निकलना है कि कहाँ तक कट ऑफ है, मतलब कितने परसेंट स्ट्रोक तक कट ऑफ है हमें निकलना है, तो उसके लिए हमें रो लगेगा। देखो, मेन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला, अब इसमें P1 ऊपर दिया है, R वो भी गिवन है, गामा 1.4, सिर्फ इसमें कट ऑफ रेशो मतलब रो कॉम अननोन है, तो हम रो ढूंढ सकते हैं। बराबर, हम बाकी वैल्यू पुट कर देंगे अदर देन रो। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रो की वैल्यू मिलेगी 2.24। मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है, उससे हमने कट ऑफ रेशियो की वैल्यू निकाल दी। अब परसेंटेज कट ऑफ, जो मैंने अभी ऊपर फार्मूला डिराइव करके दिखाया, परसेंटेज कट ऑफ इज इक्वल टू रो माइनस वन अपॉन R - 1 × 100। यहाँ पर 100 भी था, क्लियर, तो ये 100 इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, 2.24 - 1 अपॉन 12.5 - 1 × 100। तो कितना कहाँ तक डिले हो रहा है कट ऑफ को, या कितने परसेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है, 10.78%। क्लियर। सो इसके अलावा और दूसरे टाइप नहीं है, और इसमें से डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल या तो ऑटो साइकिल पे आएगा या फिर डीजल साइकिल पे आएगा। तो यहाँ पर हम डीजल साइकिल के न्यूमेरिकल देखें, कल हम देखेंगे हमारा नई साइकिल ड्यूल साइकिल और बाद में उसके न्यूमेरिकल। तो बहुत ही सिंपल था ये, आपको सिर्फ दो ही फार्मूले याद रखने, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल एंड मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल। क्लियर, अगर कोई डाउट अगर आपको रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।